दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज 24 जनवरी है और दो दिनों बाद 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो उसी के पहले हम लोग एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साथ है मेरे सारे स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी है और आज इन लोग कुछ धमाल करने वाले हैं। तो मैं पहले आप लोगों को सारे बच्चों से मिलाता हूँ और सभी अपना नाम बतलाएँगे। मैं आप लोगों को सारे स्टूडेंट से मिलवाता हूँ और ये है बच्चा पार्टी। अपना नाम बतला जी। सूरज कुमार। इसका नाम है? आलोक कुमार। आलोक कुमार से आप पहले भी मिल चुके हैं एक वीडियो में। मेरा नाम अनुष्का कुमारी। इनका नाम अनुष्का कुमारी है। परी कुमारी। परी कुमारी से पहले भी मिल चुके हैं। अरे स्कूल में तुम्हारा नाम क्या है? परी कुमारी। परी कुमारी। और ये है सुमित कुमार। अब इससे नहीं मिले होंगे लेकिन इससे जरूर मिले होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अंकित कुमार। अंकित कुमार का वीडियो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये वीडियो बनाने के पीछे क्या रीजन है, क्या क्यों मैं बना रहा हूँ, तो इसको मैं बाद में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि ये वीडियो आज मैं क्यों बना रहा हूँ। तो आइए अब पहले हम लोग क्या करते हैं, एक धमाल करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को अंत में एक राष्ट्रीय गीत के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग जो करना है इसमें उसको करना प्रारंभ करते हैं। 3, 2, 1 एक्शन। अच्छा बताइए कौन कौन होमवर्क नहीं बनाए? सर रात में लाइन नहीं था। मोमबत्ती जला लेते? सर मोमबत्ती पूजा रूम में था। हाँ माचिस पूजा रूम में था। नहीं आप जाके ले लेते। नहाए नहीं थे सर। अब नहाए क्यों नहीं थे? सर पानी नहीं था। यार अब पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चला था। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? सर बोले पहले तो लाइने नहीं था। अब बताइए दुनिया में कितने देश हैं? कोई सलाम सर, सर दुनिया में एक देश है। एक देश? यस सर। एक देश? यस सर। एक देश? यस सर। इतना बड़ा दुनिया और एक देश? यस सर, क्योंकि हम ही लोग का तो एक देश है, बाकी सबका सब तो विदेश। अच्छा भारत के प्राचीन वैज्ञानिक का नाम किसी को पता है? तो उसकी बोलिए। आलिया भट्ट। तेरी फेवरेट एक्ट्रेस है? आलिया। हम वैज्ञानिक पूछे, ये तो बॉलीवुड एक्ट्रेस है। ये थोड़ी तोतली है। थोड़ी तो पूरा तोतली है। सर ये आलिया भट्ट बोल रही है। जाके डॉक्टर के पास इलाज कराइए। सर हमारे पूर्वज कौन थे? तुम इतना आसान सवाल नहीं जानता हमारे पूर्वज कौन थे? अरे यार हमारे पूर्वज तो बंदर थे। बंदर? सर पूर्वज आप भी तो हुए। यहाँ पे एक और प्ले चलेगा। चलो जी एक्शन। अरे यार मेरा क्लिनिक के बगल में किसने और अपना क्लिनिक खोल दिया? वो जो पहले एक इंजीनियर था ना, उसका इंजीनियर तो थोड़ा बंद हो गया, इसीलिए उसने भी अब क्या कहते क्लिनिक अपना खोलना स्टार्ट किया। क्लिनिक खोल लिया? यस। इंजीनियर से डॉक्टर? यस सर। अरे ये क्या लिखा सर? ये फीस बोले कि जो अपने जाएगा उसे 100 रुपए फीस, अगर उसका इलाज सही नहीं होगा तो उसे 500 रुपए फीस अलग से मिलेगा। तो फिर मैं ही उससे अपना इलाज करवाऊंगा। चलो और मैं 500 काफी है डॉक्टर। क्या बीमारी है? जीभ में स्वाद जस्ट पता नहीं चल रहा। मेरा स्वाद ही नहीं पता चलता। आपका जीभ नहीं खाएगा? ए काउंटर जा सिस्टर 5 नंबर रूम से दवाई लिखा लीजिए। सर नहीं दवाई पी ना पियो ना रे। अरे क्या खिला दिया? क्या था? अरे तू क्या याद आ? ये तो पेट्रोल था। अरे वाह मुबारक हो इसको बोलो। डॉक्टर साहब मदद कीजिए। क्या हुआ, क्या बीमारी है? कुछ याद ही नहीं। क्या नहीं है? इसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है हमारे सर। 5 नंबर काउंटर दबा लेगा। 5 नंबर? वहाँ तो पेट्रोल था। अरे दाखिला तू आपका यादा से वापस आ गया। अरे वाह फीस दो फीस दो।
सर ये क्या हो रहा है, हम लोग तो कोई काम से कामयाबी नहीं हो पा रही। तो हमें लग रहा है कि अभी कोई यही करना पड़ेगा। आप कम दिखने का डॉक्टर साहब, अब दिखाई दिया, बोलो बोलो। दिखाई नहीं दे रहा है सर, सॉरी, आप कई इलाज नहीं कर सकते, लीजिए 500 रुपया। अरे तो 100 है, देखिए देखा आप। मुबारक हो, मुबारक हो, आपको दिखाई देने लगा, दिखाई देने लगा कि हे भगवान, जब किसी तरह से भी इस डॉक्टर को मैं बेवकूफ नहीं बना सका। क्या हो गया ये डॉक्टर, तो बहुत ज्यादा चालाक निकला। हम लोग से भी ज्यादा चालाक हो गया ये, हम लोग के सारे सारे पैसे बेकार चले गए। अब जो है तुम लोग जहाँ जाने का वहाँ जाएगा, ठीक है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, हम वतन हम नाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों आज 24 जनवरी है और ठीक 2 दिन के बाद 26 जनवरी है, उसके अवसर पर हम लोग झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये था कि मैं आप लोगों को बतलाना चाहता था कि आप लोगों के अंदर कोई भी कला है, कोई भी प्रतिभा है, जब आप लोगों के स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आप लोगों को ज़रूर उसमें भाग लेना चाहिए। बस यही चीज़ बतलाने के लिए मैं इन बच्चों को यहाँ पर बुलाया था, इससे एक्टिंग करवाया। हालांकि ये बच्चे कोई कलाकार नहीं है, एक्टिंग वैसा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर ऐसा जोश था जिसके वजह से इन लोगों को मैंने बुलाया और इन लोग आ गए। इतना समय देके इन लोगों ने एक्टिंग किया, तो इसके पीछे यही रीज़न था। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में जब प्रोग्राम होता है तो आप उसमें ज़रूर भाग लीजिए और उसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाइएगा। तो यही रीज़न था। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और यहीं पर मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।